और चैट में भी आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे मेवात में द और चैट कंपनी सबसे पहले आई थी, इसमें ही लोगों ने काम किया था। इसके बाद लोगों ने फ्रॉडबाजी बहुत की थी इसमें, क्योंकि किसी के भी सॉन्ग डाले और क्लेम कर दिए। हाय गाइस, माय नेम इज फैजल और आप देख रहे हैं टेक्निकल फैजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो एमएस म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत ही घटिया डिस्ट्रीब्यूशन है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें अगर आप एमएस म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान परचेज कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार 1500 1500 रुपये देकर बैठा हूँ। ये एक कॉपीराइट आया या आपने कोई भी कॉपीराइट कंटेंट गलती से डाल दिया तो आपका अकाउंट खत्म, यह है इनकी दिक्कत। उसके बाद कोई भी आपको रिप्लाई नहीं आएगा ईमेल पे, दिन भर आप ईमेल करो कुछ रिस्पॉन्स नहीं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इंडिया में फिर एमिस अच्छा नहीं है तो अच्छा कौन सा है। फिलहाल 3 कंपनी मुझे अच्छी लगती हैं इंडिया में जो कि म्यूजिक का काम कर रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई चार्ज नहीं है इनका। जैसे कि फोनोग्राफिक डिजिटल लिमिटेड इंडिया, पीडीएल कंपनी, एक एक ब्लू म्यूजिक है, द ऑर्चर्ड है, और भी काफ़ी सारी हैं। लेकिन इनमें जो 3 है ये अच्छी हैं। ब्लू म्यूजिक है काफ़ी अच्छे किले में, हटते भी नहीं है कितना ही आप डिस्प्यूट कर लो। इस तरीके की जो कंपनी है दोस्तों, पहले क्या था, इनमें आप अप्लाई करते थे आपको इनका एक्सेस मिल जाता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। पीडीएल में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मेल के जरिए बताते हैं कि आप 6 महीने का अपना रेवेन्यू स्क्रीनशॉट दीजिए, काफ़ी सारी डिटेल मांगी जाती हैं। जबकि पहले कुछ भी नहीं था, जब ये आए थे तुरंत आपने अप्लाई किया, दूसरे तीसरे दिन आपको लेबल अकाउंट, आर्टिस्ट अकाउंट, जैसे भी आप अप्लाई करते थे मिल जाता था। फिलहाल काफ़ी टफ है इनका एक्सेस लेना। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं ब्लू म्यूजिक की। ब्लू म्यूजिक में यह है दोस्तों, आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये सीधा कहते हैं अप्लाई के 2 24 घंटे के बाद ही बता देते हैं कि आप पहले ट्यून कोर पर काम करें। ट्यून कोर में जब आप सॉन्ग लाइव कर दोगे 10 12 जितने भी आपके सॉन्ग हैं, बाद में आप उस ट्यून कोर को स्विच कर लेना ब्लू म्यूजिक में। लेकिन दोस्तों, ट्यून कोर में सबसे जो घटिया चीज है ये लगी है कि आप प्लान परचेज कर लोगे, पहली बात तो उनका प्लान परचेज होता ही नहीं है। अगर आप फोन से करोगे तो पैसे कट जाएंगे लेकिन आपका जो प्लान है वो परचेज नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है फोन फ्रेंडली नहीं है, वो कंप्यूटर फ्रेंडली है, मतलब कि कंप्यूटर में ही ठीक तरीके से ओपन होगी। तो अगर आप इनका प्लान परचेज करना चाहते हैं तो कंप्यूटर से ही प्लान परचेज करें, फोन से बिल्कुल ना करें, आपका नुकसान हो जाएगा 4 5 हज़ार का, ठीक है। इसके बाद परचेज कर लिया, अब दिक्कत आती है, आप सॉन्ग रिलीज करते हो तो काफ़ी टाइम लेता है, 72 घंटे के कहते हैं, जिनमें से 24 घंटे बाद या 48 घंटे के बाद आपको ईमेल पर रिप्लाई आता है कि आपका सॉन्ग में लैंग्वेज मिसमैच है, आर्ट वर्क में दिक्कत है, टाइटल में दिक्कत है, इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से 6 7 दिन ले जाते हैं एक सॉन्ग को लाइव करने के लिए, और कई बार काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इस तरीके का इनका वर्क है, अगर आपको काम करना है इसमें तो आप कर सकते हैं और बाद में आप ब्लू म्यूजिक में स्विच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द ऑर्चर्ड की। ऑर्चर्ड में भी आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे मेवात में द ऑर्चर्ड कंपनी सबसे पहले आई थी, इसमें ही लोगों ने काम किया था। इसके बाद लोगों ने फ्रॉडबाजी बहुत की थी इसमें, क्योंकि किसी के भी सॉन्ग डाले और क्लेम कर दिए। इसके बाद कंपनी को रिपोर्ट पहुंची और इनका सारा भांडा फूट गया कि हाँ भाई, ये तो फेक क्लेम कर रहे हैं, मन करे जिसका सॉन्ग डाल रहे हैं। तो कंपनी ने मेवात में अब लेबल अकाउंट या कुछ भी है जो भी, वो सर्विस ही नहीं देते, मेवात में ब्लॉक कर रखा है कि यहाँ के लोग फ्रॉड करते हैं इस तरीके की, क्योंकि यहाँ के लोग यूट्यूबर हैं जो किसी का भी गाना हाथ पड़ा डाल दिया, ये दिक्कत है। तो दोस्तों, 3 कंपनी मैंने आपको बता दी, अगर आपको इनमें से ब्लू म्यूजिक, पीडीएल या द ऑर्चर्ड, इनमें से किसी कंपनी का भी एक्सेस मिलता है तो आप बेझिझक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग आती है इनकी, कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से आपका अकाउंट नहीं उड़ेगा कि कॉपीराइट आ गया, अकाउंट उड़ गया, डॉक्यूमेंट आप दे दो, आपका अकाउंट बच जाएगा। अब दोस्तों, बहुत से भाई कहेंगे कि आपने बताया था नहीं किस तरीके से अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर आपको अप्लाई करने का तरीका जानना है
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई एक बार अप्लाई करके बताओ किस तरीके से अप्लाई करना है, फिर हम आपको कंप्यूटर पर बता देंगे किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से डैशबोर्ड लेना है, सब कुछ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और भाई चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्यूनकोर, बिल्यू म्यूजिक और ये जो द ऑर्चर्ड है, पीडीएल, ये तीन चार कंपनी जो ठीक ठाक हैं, इनके क्लेम भी अच्छे जाते हैं, तो इनमें काम करें ठीक रहेगा। बाकी जो अदर हैं जैसे कि एम्यूस है, डिस्ट्रोकिड है, एक कॉपराइट या दो चार कॉपराइट स्ट्राइक आए आपका अकाउंट ख़त्म, ये दिक्कत है। तो फ्री वाले के चक्कर में ना पड़े, आप इन कंपनी को पकड़े जो फिलहाल ट्रेंड पे चल रही है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।